हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट लैपटॉप आपको कैसे लेना है किसी भी बजट में। वेलकम टू बाई हटके, मेरा नाम है फरहान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी भी लैपटॉप के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप बजट सीरीज लेने जाओ तो उसमें जो है प्लास्टिक प्लस फाइबर का मिक्सचर का बॉडी होती है, बट अगर आप अच्छे लैपटॉप लेने जाओ तो उसमें जो है मेटालिक डिजाइन, स्टेनलेस स्टील, ये सब यूज किया जाता है। और अगर आपकी रेंज 50,000 है तो उसमें आपको जो है एल्युमिनियम डिजाइन अगर मिल रहा है तो काफी अच्छी चीज है। बट हाँ, क्या होता है कि आरओजी की बहुत सारी सीरीज है 70-80 हजार के, कई बार उनमें भी बेकार प्लास्टिक यूज होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा एल्युमिनियम बिल्ड देखो, क्योंकि आपका अगर लैपटॉप गिरे भी तब भी कुछ नहीं हो। बात करते हैं अगला स्टोरेज पे। तो देखो अभी क्या चल रहा है कि हार्ड डिस्क भी होती है, एसएसडी भी होती है, बट मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि वही लैपटॉप लो जिसमें आपको एसएसडी हो, 1 TB या फिर मिनिमम 512 GB तो हो ही। और हाँ, 512 GB हो उसके साथ 1 TB हार्ड डिस्क हो तो चलेगा उतना, बट एसएसडी आज की डेट में बेर मिनिमम 512 तो होनी ही चाहिए। वैसे बजट लैपटॉप से आपको 250 GB एसएसडी मिलती है और 1 TB हार्ड डिस्क या फिर 512 हार्ड डिस्क मिलती है, बट बजट सीरीज में आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 512 एसएसडी ही लो। हार्ड डिस्क आप अलग से लेके भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, बट डी ड्राइव में अगर हार्ड डिस्क हो तो उससे जो है स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो आईपीएस पैनल आपको मिलेगा ही, ठीक है, और उसकी ब्राइट जो है वो 400 निट्स तक की आपको मिल जाए। वैसे जनरली 200 से 300 निट्स भी काफी ज्यादा अच्छी है, आउटडोर में आराम से यूज कर पाओगे आप। कनेक्टिविटी की बात करें तो टाइप सी का पोर्ट आपको होना ही चाहिए और हेडफोन जैक भी हो तो अच्छा है, और यूएसबी 3.2 या फिर यूएसबी 3 तो होना ही चाहिए, मस्ट है। और थंडरबोल्ट का पोर्ट हो तो उससे आप ऑब्वियसली टीवी, अपने मॉनिटर से सब कनेक्ट कर सकते हो, जिसे आप अगर बड़ी स्क्रीन पे कुछ काम करना चाहो, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, तो वो सब भी कर पाओगे। और अब बात करते हैं अपग्रेडेबिलिटी की। तो देखो दोस्तों, आपको जो है ऐसा लैपटॉप लेना है जिसमें आप रैम बढ़ा सको, SSD बढ़ा सको अपनी। अगर हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क चेंज करके SSD का अपग्रेडेबल ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, मेरे पास पुराना एक लैपटॉप था उसमें हार्ड डिस्क थी, तो मैंने उसको चेंज करके SSD में कन्वर्ट कर लिया, तो अब उसकी स्पीड जो है 4 गुना फास्ट हो गई है। बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो की है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो है इंटेल में अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहले सीरीज आएगी P, तो P जो है सबसे बेसिक है, उसके ऊपर U, फिर उसके ऊपर H। तो H में जो आप गेमिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोरल, सारे जितने भी काम से ग्राफिक्स से रिलेटेड वो सब आप कर पाओगे, और यू जो है उसमें नॉर्मल आप काम कर पाओगे। तो एच वाली जो सीरीज है वो 70-80-1 लाख तक में आती है, और पी की बात करें तो वो आपको 40 से लेके 60-70 तक जाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बजट में ले रहे हो तो डेफिनेटली आप यू पे ही जाना। थोड़ा सा हो सकता है आपका बजट बढ़ जाए, बट अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी उससे। अब बात करते हैं रैम की। तो रैम जो है आप 4 GB कभी मत लेना, हमेशा 8 GB या फिर 16 GB है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट 8 GB जो है मस्ट है एकदम। 8 GB से नीचे उतरना मत, वरना आपके जो है काफी सारे टास्क नहीं हो पाएंगे। एक Adobe Premiere Pro ही 4 GB 5 GB आपका ले लेता है रैम, तो डेफिनेटली आपको मिनिमम 8 GB तो रखना ही चाहिए, ताकि आप 3-4 apps 3-4 software चला पाओ आराम से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।